में चक्कर लगा रहा था, उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। लैंडिंग गियर में खराबी की बात सामने आ रही थी। 141 यात्री इस विमान में सवार हैं। तिरुचिरापल्ली से शारजहां के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने की कुछ समय बाद जानकारी मिली कि इसके लैंडिंग गियर में खराबी है। बीते एक घंटे से विमान हवा में चक्कर लगा रहा था। ग्राउंड पर तैयारियां की जा रही थी, फायर फाइटर्स वहां पर तैनात किए गए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात थी, एम्बुलेंस की भी तैनाती थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। मतलब सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिनकी जान अभी तक हलक में अटकी हुई थी, वो सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये देखिए आप, एम्बुलेंस की गाड़ियों का मूवमेंट भी, जो कि पहले से वहाँ पर तैनात थी। अभी किसी यात्री को किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा की ज़रूरत तो नहीं है, वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच राहत भरी बात यही है, अच्छी खबर ये कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। एक घंटे से कोशिश की जा रही थी कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई जाए। हवा में ही एयर इंडिया का विमान चक्कर लगा रहा था, और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ये अच्छी खबर सामने आ रही है कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। मतलब ये कि सभी यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें सुकून देने वाली, ये खबर राहत देने वाली, क्योंकि जो 141 यात्री इस विमान में सवार थे, उनकी जान तो हलक में अटकी ही थी, उनके अपनों की चिंता बढ़ती जा रही थी कि उनके घर वाले सुरक्षित नीचे लैंड कर पाए। जो कोशिश की जा रही है वो कामयाब हो पाए, और अब ये जानकारी मिल रही है कि कोशिश कामयाब हो गई है, सुरक्षित लैंडिंग हो गई है एयर इंडिया के विमान की, जिसने तिरुचिरापल्ली त्रिची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। 141 यात्रियों को लेकर शारजहां जाना था, लेकिन लैंडिंग गियर में खराबी के चलते एक घंटे से विमान हवा में ही चक्कर लगा रहा था। अब उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो गई है, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली है। और हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, राहत भरी खबर, सुरक्षित लैंडिंग हो गई है विमान की? बिल्कुल, और ये पूरा तकरीबन 2 घंटे का सफर है वो हवा में इस प्लेन में काटा है। 5:45 पर ये डिपार्ट हुआ था, और एग्जैक्ट जानकारी नहीं, तो 24 छोटे चक्कर और 3 बड़े चक्कर इसने फ्लाइट में लगाए। इसका एक लैंडिंग गियर था जो फंस गया था, और उसकी राहत की बात यह रही कि जब ये लैंडिंग के लिए ट्राई कर रहा था तो वो लैंडिंग गियर जो है वो खुल गया, जिसकी वजह से बेली लैंडिंग नहीं करनी पड़ी और नॉर्मल लैंडिंग हुई है। तमाम 141 पैसेंजर जो फ्लाइट में मौजूद है, सबके सब सेफ है। अभी जो टैक्सी वे है वहां पर ये फ्लाइट मौजूद है। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम और जो यात्री का जो राहत दल होता है, वो सभी जो है वो विमान के पास मौजूद है। अगर किसी यात्री को किस तरीके की मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी, वो टीम्स भी वहां पर लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि ये सुरक्षित लैंड हो गया है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर लैंडिंग गियर फंसा रहा तो बेली लैंडिंग करनी पड़ेगी। बेली लैंडिंग का मतलब ये है कि आप व्हील्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बेली के माध्यम से लैंडिंग करेंगे, जिसमें थोड़ा खतरा हो सकता था। अगर उसको बहुत तरीके से नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाता तो स्क्रैचेस से आग की चांसेस रहते हैं, और जिस तरीके से एक्सपर्ट बताते हैं कि उसको भी सेफ तरीके से किया जा सकता है, लेकिन एक खतरा जो था वो लगातार बना हुआ था। लेकिन अब राहत की बात यह है कि लैंडिंग गियर समय पर खुल गए और सेफ लैंडिंग हो चुकी है। सभी 141 पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स सभी सेफ है। जी, बड़ी बात यही प्रियंका जो आप बता रही हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हुई है, सेफ लैंडिंग हुई है। मतलब लैंडिंग गियर में जो खराबी की बात आ रही थी, कहा जा रहा था कि व्हील बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि व्हील बाहर निकली और सुरक्षित लैंडिंग हो गई। जी बिल्कुल, लैंडिंग गियर जो फंसा हुआ था वो लैंडिंग गियर जो है वो निकल गया, और इसी वजह से जो सबसे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बेली लैंडिंग होगी, जिसको लेकर खतरा बना हुआ था, जिसको लेकर इतनी तैयारियां की गई थी, जहां पर फायर ब्रिगेड की भी 18 गाड़ियां, 20 एम्बुलेंसेज, सबसे तैयारी रखी गई थी, पर उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि लैंडिंग गियर खुल गया। और डीजीसीए के जो तमाम अधिकारी हैं और जो उड़ियन मंत्रालय के तमाम अधिकारी हैं, वो लगातार एयर इंडिया एक्सप्रेस के संपर्क में रहे और उनकी तरफ से ये खुशखबरी भी दी गई है। जी, अब जबकि सुरक्षित लैंडिंग हो गई है प्रियंका, इसके बाद का क्या क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस की मूवमेंट वहां पर हमें देखने को मिल रही है। क्या यह सुनिश्चित किया जाए कि जाएगा कि हवा में विमान जब बीते 2 घंटे से चक्कर लगा रहा था, तो किसी यात्री को कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं हुई, कोई अस्वस्थ तो नहीं है, क्या यह सब सुनिश्चित किया जाएगा? कई एसओपीज होती है ऐसी इस तरीके की लैंडिंग्स को लेकर, जिसमें जाहिर तौर पर डॉक्टर्स की टीम इसीलिए बिल्कुल विमान के पास ही मौजूद है कि अगर किसी को, क्योंकि 2 घंटे तक लगातार अगर फ्लाइट हवा में है तो जाहिर तौर पर कुछ लोग ज्यादा सोच कर, कहीं को एंग्जाइटी अटैक भी हो सकता है, या कई लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी लगातार हवा में घूमने के चलते या ज्यादा सोचने के चलते भी हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स की टीम वहां पर रहती है, जो सभी का जिसको भी जरूरत होगी उसकी मेडिकल चेकअप के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यात्रियों को इवैक्यूएट करने का प्रोसेस जो
है वो सबसे पहले अब शुरू होगा। जैसे ही यात्री जो है बाहर निकलेंगे वहीं पर मौजूद है टीम, अगर किसी को मेडिकल की जरूरत होगी तो उन्हें मेडिकल सहायता दी जाएगी, और अगर इसकी जरूरत नहीं होगी तो किस तरीके से अब उन यात्रियों को शारजा पहुंचाया जाएगा, अल्टरनेट प्लानिंग जो है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से की जाएगी, क्योंकि शारजा की ये फ्लाइट थी जो लगातार 2 घंटे हवा में रही। पर गनीमत यह है कि किसी तरीके का कुछ बुरी खबर इससे जुड़ी हुई नहीं आई और सभी यात्री जो है वो सेफ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अच्छी खबर, राहत भरी खबर यही कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है, इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत नहीं आई, विमान ने सुरक्षित लैंड किया है। मतलब ये है कि सभी 141 यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। मेडिकल एक्सरसाइज वहाँ पर चल रही है कि बीते 2 घंटे से विमान चूंकि हवा में चक्कर लगा रहा था, अगर किसी पैसेंजर को किसी स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई होगी तो उसको अस्पताल भेजा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई नौबत ऐसी कोई जानकारी है नहीं। विमान ने सेफली लैंड किया है और सभी यात्री सुरक्षित हैं।